हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी सैटरडे स्पेशल। तो यहां पर जी सत्तू वाला पराठा बनाई हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और पूरे चारों तरफ भर के सत्तू जाएगा। चलिए ऐसी रेसिपी और देखिए कितनी, मतलब क्या बताएं, इतनी यम्मी बनी है कि आप देख सकते हैं। यहां पर मैं सत्तू ली हूँ और थोड़ा सा अजवाइन मंगरेल, और यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और हरा धनिया सबको मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पर। और एक लेमन ले ली हूँ मैं, उसमें से उसका बीज मैं निकाल के रख लेती पहले ही से। उसके बाद पूरा लेमन एक निचोड़ देंगे। इसकी जगह पे आप आम का अचार भी ले सकते हैं थोड़ा खट्टापन के लिए। और उसके बाद मैं स्वादानुसार नमक डाली और फिर डालेंगे उसमें सरसों तेल। इससे काफ़ी अच्छा बनता है सत्तू। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं, और लेकिन मैं यहाँ पर पानी नहीं ली हूँ, केवल तेल में ही मैं मिला रही हूँ। और इसको अच्छे से दोनों हाथों से ऐसे हाथ पे रब करके और बहुत ही अच्छा से मिला लेंगे, जिससे सत्तू में काफ़ी स्वाद आ जाता है ऐसे करके बनाएंगे तो। और एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा लो ऐसे बना के। इसका सत्तू का स्पेशल आटा को मैं रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। इसके पहले सत्तू बना लेते हैं तब आटा लगाएँगे। तो उस तरह से आटा बनाएंगे ना तो पराठा बहुत ही अच्छा से फूलेगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा कलर भी आएगा। तो उसके लिए मैं एक कटोरी यहाँ पे प्लेट आटा ली हूँ और उसमें आधा प्लेट बेसन ली हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच घी डाली हूँ। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे मैश कर लूँगी आटा को, और उसके बाद जो नॉर्मल रोटी का डो होता है आटा का, उससे थोड़ा सा इसको गीला करेंगे डो। और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे और उसको अच्छे से गूँथ लेंगे आटा को। और बनाने से आधा घंटा पहले आप आटा तैयार कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा बनेगा, फुली फुली पराठा बनेगा इसका। तो यहाँ पर देखिए मैं आटा लगा के रख दी, और यहाँ पर देखिए इतना सॉफ्ट आटा होना चाहिए आपका। तब तक मैं यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी और बना रहे हैं भरता। तो मैं यहाँ पे तेल में थोड़ा सा हरी मिर्च जो कट करके रखी थी, लहसुन, अदरक डाल दी हूँ, और ये थोड़ा सा पकेगा इस पर, उसके बाद हम प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा जल गया है फ़ौरन, और हम इसमें डाल देंगे प्याज जो कट करके बारीक रखी हुई थी, जिससे बहुत ही अच्छा भरता बनता है। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हल्का ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। और उसको थोड़ा सा भुनने के बाद यहाँ पर मैं बैंगन दो ली थी और 3 टमाटर पका के और अच्छे से छील ली थी। उसके बाद हम इसमें डाल के 2 मिनट और इसको पकाएंगे, अच्छे से मैश कर देंगे। और उसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे, जिससे बन के ये तैयार हो जाएगा भरता और बहुत ही अच्छा बनेगा। और देखिए यहाँ पर बहुत ही टेस्टी, सबको पसंद आएगा, देखिए बहुत बहुत ही सुंदर। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे आटा तैयार हो गया है, क्योंकि आधे घंटा से ऊपर हो गया हमें आटा गूँथे हुए। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे इसका कटोरी बना ले रही हूँ आटा के, उसमें भर भर के सत्तू भरेंगे। और हल्के हाथ से बेलेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा और चारों तरफ सत्तू जाएगा, उसके केवल सेंटर में नहीं रहेगा। आप चाहें तो इस तरह से चकला बना सकते हैं इसको, देखिए, और हल्के हाथों से बेलेंगे ऐसे। आपको लगे कि बेलन चिपक रहा है तो थोड़ा सा और उसमें परथन लगा सकते हैं आटा का, लेकिन यहाँ पे तैयार हो गया था बिना एक ही बार के परथन लगाने में। और बहुत देखिए तवा गर्म हो गया, फिर मैं यहाँ पे डाली, बहुत ही फूली फूली पराठा बन के तैयार होगा इसका। तो आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा लो, और ये रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा लो गाइस, क्योंकि बहुत बहुत सुंदर लगेगा खाने में। देखिए कि बहुत ही प्यारा कलर आएगा, देखिए मैं अभी दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ। आप यहाँ पे सरसों का तेल, रिफाइन, चाहे बटर जो लगाना चाहते लगा सकते हैं, और बहुत ही फूली फूली बनेगी। देखिए यहाँ पे बहुत प्यारा कलर आएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते